हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुधा डबराल, वेलकम टू सुधास क्लासेस। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं और हमें जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू आप रखिए, अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए, और उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो 0 प्लस वाई क्या होगा, वाई वाई इक्वल्स टू 4। एक्स 0 रखने पे वाई हमारे पास 4 आया। ओके, या फिर आप एक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए। और किस इक्वेशन में, ये इसी इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू आप 2 रखिए, प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 4, 2 इस तरफ गया तो माइनस 2, वाई की वैल्यू आ गई 2। ओके, एक्स की वैल्यू आप माइनस 1 रख दीजिए, तो आप इसी क्वेश्चन में रखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स की वैल्यू रखो माइनस 1, प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू माइनस 1, 4 के पास गया तो प्लस 1 हो गया, वाई इक्वल्स टू 5। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखिए, टेबल बनाने का तरीका ये है। अब देखो, एक्स की वैल्यू आपने 0 रखी तो y कितना आया बच्चों, 4 आया। ओके, और जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आया आपके पास, 2 आया। और जब आपने x की वैल्यू माइनस 1 रखी तो y कितना आया, 5 आया। तो हमने इस लीनियर इक्वेशन से हमने एक टेबल बनाई। अब इस टेबल के से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। ने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस मानते हैं। और जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन होता है, वो 0 होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये एक ग्राफ पेपर है जिसमें मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करें और उन पर नंबर लाइन शो किया है। टेबल में दिए गए कोऑर्डिनेट्स को अब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब एक्स हमारे पास 0 है तो वाई कितना है, 4। एक्स 0, वाई 4, ये वो पॉइंट है, 0, 4। ओके, फिर एक्स 2 है, वाई भी 2, एक्स 2, वाई 2, तो मैं एस को ऐसे लेके जाऊंगी ऐसे, और यहाँ से ऐसे, तो ये यहाँ पे आके आएगा। ओके, एक्स टू एंड वाई टू। अब है एक्स माइनस 1, वाई 5, एक्स माइनस 1 है, वाई 5 है, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस 1, 5। ओके, मैं यहाँ लेता तो माइनस 1, 5। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट्स को ज्वाइन करेंगे हम। तो इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू को मैंने 1 माना, तो इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू मैंने 1 लिखी, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 1 को मैं इधर लेके तो माइनस 1, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, तो ये माइनस इससे चला जाएगा तो माइनस 1 आ गया। x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास y माइनस 1 आया। ओके, अब अगेन हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, हम इसी क्वेश्चन में रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 0 रखें, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया, वाई इक्वल्स टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू 0 रखने पे हमारे पास y कितना आया है, माइनस 2 आया है। सेम ऐसे ही इसके आगे मैं a, b और c लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने 3 सोल्यूशन निकाले हैं। अब हम x की वैल्यू को रख देते हैं माइनस 1, फिर हम इसी इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखेंगे। x की जगह रखा मैंने माइनस 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 1 हम इधर ले गए तो प्लस 1,
माइनस वाई इक्वल टू थ्री, और माइनस हम थ्री को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री। हमने यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी तो वाई हमारे पास कितना आया, माइनस थ्री आया। और जो इससे टेबल बनी है वो क्या बनी है, हमारे पास जो टेबल बनकर आई है वो देखिए, ये एक्स वन रखने पर वाई माइनस वन आया, एक्स जीरो रखने पर वाई हमारे पास माइनस टू आया, एक्स माइनस वन रखने पर वाई हमारे पास माइनस। ओके, अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। हम इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब एक्स की वैल्यू वन है और वाई माइनस वन। ओके, एक्स तो ये वन हो गया, वाई हमारे पास माइनस वन, तो ये यहाँ पे आके मिल गया, तो माइनस वन कॉमा वन। एक्स जीरो वाई माइनस टू, एक्स जीरो है और वाई माइनस टू, वो ये वाला पॉइंट है, एक्स ज़ीरो वाई माइनस टू, इस वाले को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री यहाँ पर है, ये एक्स वन माइनस थ्री यहाँ पर, माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ होती है। इस तरह से हमने ग्राफ में प्लॉटिंग्स करी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, y इक्वल्स टू थ्री एक्स, वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स। ओके, x की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू आपने जीरो रखी तो y इक्वल्स टू थ्री एक्स है, तो y इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स की जगह आप जीरो रख दीजिए तो y इक्वल्स टू थ्री जीरो का जीरो, तो x जीरो रखने पे y हमारे पास जीरो आया। फिर हम बी नेक्स्ट हम x की वैल्यू रखते हैं वन। ओके, तो y इक्वल्स टू इसी इक्वेशन में रखेंगे तो y इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स की जगह वन, y इक्वल्स टू थ्री वन ज़ा थ्री, एक्स की वैल्यू वन रखने पे हमारे पास y कितना है, थ्री आया। ओके, फिर x की वैल्यू अब क्या रखें बच्चों, x की वैल्यू अब हम माइनस वन रखते हैं, y इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स की जगह माइनस वन, वाई इक्वल्स टू थ्री वन ज़ा थ्री, वो भी माइनस का। इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू जब माइनस वन रखी तो वाई हमारे पास माइनस थ्री आया। ओके, और इससे जो टेबल बनी है देखो क्या बनी है, एक्स जीरो रखा वाई जीरो आया, गुड, एक्स वन रखा वाई थ्री आया, एक्स माइनस वन रखा वाई माइनस थ्री आया। ओके, ये टेबल हमने बना दी, अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब हम उस ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। ओके, एक्स ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। ओके, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, एक पॉइंट हमें ये मिल गया है और ये हो जाएगा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। नेक्स्ट एक्स वन वाई थ्री, एक्स वन वाई थ्री, वाई थ्री है, इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ देखेंगे तो ये ठीक है, एक्स वन वाई थ्री। अब एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री यहाँ पर है वो पॉइंट। ओके, माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, और हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया और हमारा थर्ड पार्ट भी फिनिश हो गया है। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, थ्री इक्वल से टू एक्स प्लस वाई, इसमें भी आप एक्स की वैल्यू ले लीजिए ज़ीरो, ये ए पार्ट, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे आप इस इक्वेशन में। ओके, इक्वेशन लिख दीजिए पहले, थ्री इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एक्स की जगह ज़ीरो प्लस वाई, थ्री इक्वल टू टू ज़ीरो तो ज़ीरो प्लस वाई, देन वाई इक्वल टू थ्री। ओके, एक्स ज़ीरो रखने पर वाई हमारे पास थ्री आया। ओके, एक्स इक्वल टू माइनस वन। ओके, अब हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, थ्री इक्वल टू टू एक्स की जगह माइनस वन प्लस वाई, थ्री इक्वल टू टू वन से टू माइनस टू प्लस वाई, प्लस टू इक्वल टू वाई, देन वाई इक्वल टू फाइव। ओके, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी तो वाई हमारे पास फाइव आया, एक्स की वैल्यू आप वन रख दीजिए इसी इक्वेशन में, तो थ्री इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई, थ्री इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन प्लस वाई, थ्री इक्वल टू वन से टू प्लस वाई,
थ्री, टू इधर आ गया तो माइनस टू वाई, वाई इक्वल्स टू वन, एक्स की वैल्यू वन रखी तो वाई हमारे पास वन आया। अब हम इसे टेबल बनाते हैं और उस टेबल को फिर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। एक्स जीरो रखा, वाई थ्री आया, एक्स माइनस वन रखा, वाई फाइव आया, एक्स वन रखा, वाई भी वन आया। ओके, अब हम इसे ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में भी हम प्लॉट करेंगे। मैंने बोर्ड में ग्राफ ड्रॉ किया है, अब हम इस ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। एक्स ज़ीरो वाई थ्री, एक्स ज़ीरो वाई थ्री, ये वो पॉइंट है 0, 3, एक्स माइनस वन और वाई फाइव, एक्स माइनस वन एंड देन वाई फाइव, ओके माइनस वन कॉमा फाइव, एक्स वन वाई भी वन, वाई वन है और एक्स वन है दोनों है, तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे आए, ओके 1, 1, और हम इसको फिर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके, हमने इस ग्राफ में भी प्लॉटिंग कर दिया और इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश कर दिया।